और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। यदि आप सड़कों किनारे ठेलों पर सस्ता चिकन खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई शहरों में चिकन के नाम पर कौवे और कुत्तों का मांस बिक रहा है। जी हाँ, कौवे और कुत्तों का मांस बिक रहा है। ताजा मामला तमिलनाडु के रामेश्वरम से सामने आया है। यहाँ सड़क किनारे एक ठेले पर जब खाद्य विभाग ने छापा मारा तो अफसर हैरान रह गए। ठेले पर सस्ते में जो चिकन बिक रहा था, असल में वह कौवे का मांस था। कौवे का मांस चिकन के नाम पर बेचने के आरोप में पुलिस ने यहां दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 150 मरे हुए कौवे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक कौवों के नाम पर चिकन बेचने का खुलासा रामेश्वर के मंदिर आए हुए श्रद्धालुओं के शक पर हुआ। दरअसल श्रद्धालु यहां कौवे को रोज दाना डालते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से उन्हें कौवे मरे हुए नजर आ रहे थे। श्रद्धालुओं ने कौवों के मरने की शिकायत पुलिस को की। जब पुलिस ने तहकीकात की तो उन्हें पता लगा कि कुछ लोग जहरीले चावल देकर कौवों का शिकार कर रहे हैं। जब पुलिस ने कौवों को मांस बेच रहे लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम कौवों को शिकार करके छोटे दुकानदारों को बेच देते हैं। दुकानदार कौवे के मांस का चिकन लॉलीपॉप और चिकन बिरयानी कहकर बेच रहे थे, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही थी। मालूम हो कि ये पहला मौका नहीं है जब चिकन और मटन के नाम पर कुत्ते, बिल्ली और कौवों का मांस बेचा जा रहा है। इसके पहले भी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 2018 में खाद्य विभाग ने छापा मारकर कुत्ते, बिल्ली का मांस बेचने वालों को गिरफ्तार किया था। तो अगर आप सड़कों पर मांस खाने के शौकीन हैं, बिरयानी खाने के शौकीन हैं, तो आपको ये खबर देखकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनजान जगह पर बिरयानी या मटन नहीं खाना चाहिए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी मोटी खबरें देखने के लिए आप देखते रहे सत्यमेव न्यूज़। और अगर YouTube पे आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।